अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वाफिक के एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के देसी फूड ब्लॉग का आगाज हम सताई पीने से करेंगे, क्योंकि आज की गर्मी ने हमारी ऐसी की तैसी करके रख दी है और हमें प्यासे कौवे की कहानी बार बार याद आ रही है। खैर, इधर उधर भटकने के बाद बिलाकर हमें एक सरदाई वाला नजर आ रहा है। यहाँ हम ऑफ कैमरा सरदाई पीने के बाद सब्जी खरीदेंगे और अपनी मंजर की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहाँ हम अपने आने वाले मेहमान के लिए खूबसूरत और डिलीशियस डिनर तैयार करेंगे और आपके साथ तारुफ साझा करेंगे। जी नाज़रीन, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर हम आज एक अच्छी और उम्दा डिश ट्राई करेंगे। ये रेसिपी आज से पहले हमने कभी अपलोड नहीं की, ये आज आने वाले मेहमान की नस्बत से हमने स्पेशली तैयार किया है, तो आपको साथ साथ दिखाएंगे और आने वाले मेहमान की जो है उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक शेर मलक साहब सुनाएंगे। तेरे नाम का पहला हरफ आवे, तेरे नाम का पहला हरफ आवे, मेरे को साल के सदमे भूल गए। देसी चूल्हे में आग जलाने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह भाई गुलाम अभी अवान अदा करेंगे। Tomatoes are kept for boiling. After cutting the ginger and garlic, we will make a paste of it, which will play an important role in today's kadai. डिनर की तैयारी के साथ साथ हम आपके साथ आने वाले मेहमान की तारफी हम आहंगी का सिलसिला बरकरार रखते हुए बताते चलें कि आज जिस अजीम शख्सियत ने हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया, ये वो आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। To cups cooking oil. After that, we will put the chicken in a little hot oil and fry it until it turns light brown. 1 teaspoon salt. 3 green chilies. Red pepper. Ground coriander. Black pepper. Crushed cumin, turmeric, fresh yogurt, after adding curd and remaining masala, cook well so that the gravy does not remain raw. If you really want to enjoy the food, add the Oprah's cream man and enjoy the delicious dinner. Tomato paste. In the last steps, add tomato paste. And your mulai handi is ready to serve. हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है और हमारे मेहमान भी आन पहुंचे हैं। ये गीत उनकी नजर आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना। तमाम दोस्तों ने दस्तरखान पे बैठ के खाना शुरू किया। आने वाले मुअज्जज़ मेहमान ने हमारे खाने की दिल से दाद दी, क्योंकि आप जो भी दिल से काम करते हैं वो असर रखता है। और प्यारे भाई आलम ने जाने से पहले चंद घड़ियां शोभा खेल के मुतल्लिक इज़हार ख्याल किया, जो आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। हमारे पास हमारे शहर का सरमाया, हमारे शहर का फखर चौधरी आलम साहब, मास चैंपियन रेसलर हमारे पास आए हैं। इनकी आमद का बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आज हमारा जो था मेहमान नवाजी की है हमारी भाई शकील ने, और भाई हमारे साथ जो मौजूद हैं माशाल्लाह बड़ा हमने इंजॉय किया। एक बहुत अच्छा जो प्रोग्राम इन्होंने डिसाइड किया था, तो हम पहुंचे यहाँ पे, मेरे साथ भाई सरफराज भी मौजूद हैं। मैं इनका बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार से हमें जो नवाजा है, तो बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों का
यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आलम भाई ने हमारे गाँव अलामा इकबाल नगर के जो ग्राउंड मुक्स किया था उसके हवाले से भी कुछ खुशखबरी सुना रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा कोशिश रही है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए जो कर सकूं वो इंशाल्लाह मेरी जो काबिशें हैं कोशिशें हैं वो मैं हमेशा एथलीट के लिए प्लेयर के लिए हमा वक्त में हाजिर हूं। तो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट आया था तो हमें विजिट वगैरह भी करवाया था ये इकबाल नगर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, और जहाँ तक हो सकेगा हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है पाए तक मेल को पहुंचे ताकि हमारे जो बच्चे जाके और ग्राउंड्स में जाके गेम करते ये हमारे यहाँ के इलाके के बच्चे इस ग्राउंड में जो सहूलियात हैं उससे फायदा उठाएं। तो ये टैलेंट इंशाल्लाह यहाँ से निकलेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। मैं भी हरुणाबाद से हूँ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो एक बाइक रोड वाम की नुमाइंदगी करने का भी मौका मिला। रिसेंटली रशिया से वर्ल्ड चैंपियन का जाज भी हासिल कर चुका हूँ। ये दोस्तों की दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के जितने भी एथलीट हैं तो वो इससे मोटिवेट हों और अपने टैलेंट को बिल्ड करें। इंशाल्लाह आई होप के ये सारे मामला हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात मदद करेंगी और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। भाई आलम की आमद का शुक्रिया अदा करते हैं और इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, अल्लाह दे हवाले।